हेलो फ्रेंड, आज हम आए हैं वसई बाबा सीताराम का टेंपल यहाँ पे है और हम और अंदर जाएंगे जहाँ पे तुंगारेश्वर महादेव का मंदिर है। तो हम इस दोनों मंदिर का कवरेज करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नेचर ट्रेल करेंगे और फिर हम जाएंगे तुंगारेश्वर मंदिर में। बट उसके पहले जहाँ से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू होती है उसी के आंगन में बाबा सीताराम का ये छोटा सा बट खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे शांत बैठना और ईश्वर का ध्यान करना अपने आप में एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। इस मंदिर में कई लोग पूर्णिमा के दिन पूनम भरने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा नहीं थी इसलिए मंदिर थोड़ा हमें शांत और कम भीड़ भाड़ वाला मिला है। तो चलिए बाबा सीताराम के दर्शन करते हैं और फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जंगल में एंटर होंगे। एक नेचर ट्रेल ऐसी बनी है कि जो जंगलों के बीच से होती हुई हमें तुंगारेश्वर मंदिर तक ले जाती है। तो चलिए तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होते हैं। शुरू से ही काफ़ी नदी जो है वो काफ़ी जगह से मोड़ती है, तो हमें रास्ते में कई जगह पे नदियों का संगम होगा, यानी हम उस नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। जो दिख रहा है पूरा ग्रीन बेल्ट है ये वसई ईस्ट में। बारिश का मौसम हो तब नदी का बहना बहुत ही स्वाभाविक है। और यहाँ पे एक खास ऐसे माना जाता है कि ऊपरवास यानी कि पहाड़ों में ऊपर कहीं पे बहुत बारिश हो तो नीचे जो ये एरिया है यहाँ पे पानी का लेवल अचानक से एकदम हाई लेवल पे बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे नदियों में स्नान करना वर्जित है। इस बॉर्डर से हम एंटर होते हैं। यहाँ पे 53 रुपीज़ की एक टिकट लेनी पड़ती है एंटर होने के लिए, वन्य जीवन की रक्षा के लिए ये है। और इस पगडंडी से हम आगे बढ़ेंगे। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत फूल और जंगली वृक्षों और वनस्पतियों का इतना यहाँ पे बेशुमार दौलत भरी हुई है कि जिन्हें वृक्ष और जंगल पसंद है उनके लिए ये स्वर्ग समान जगह है। श्रावण महीना है इसलिए पब्लिक की ज़्यादा भीड़ बनी रहती है, बट चारों तरफ कुदरती सौंदर्य खूब भरा हुआ है। यानी आप यहाँ पे जैसे ही जंगल में एंटर होते हो तो आप एक पहली तो भीड़ भाड़ से दूर हो जाते हो। ट्रैफिक का साउंड या हॉर्न का साउंड आपको नहीं सुनाई देता है, मात्र पंछियों की आवाज़ और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी आवाज़ें आती है बस। बाकी शांत शांति का अनुभव आपको डेफिनेटली इस नेचर ट्रेल में मिलता है। और ये देखिए स्पाइडर है, स्पाइडर का वेब के साथ कैमरे में काफ़ी कम रिकॉर्डिंग हो पाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के वृक्षों से भरा हुआ ये नेचर। काफ़ी लोग आते हैं इसलिए रास्ते में ऐसे वेंडर्स बैठते हैं जो रास्ते में किसी को कुछ खाने की इच्छा हो तो खाते हैं। ये जो रास्ता है वो खास उबड़ खाबड़ रास्ता है, यानी उन्हें
जिन्हें यहाँ पे जाना है वो अपने जूतों का खास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे जूते पहने जो बारिश में और पानी में भी चले और पत्थरों में भी चल पाए। कई लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह के जूते पहन के आते, फिर वो जूतों को हाथ में लेके चलना पड़ता है। पूरा नेचुरल ट्रेल है, यानी कच्चा रास्ता है, बट अच्छा रास्ता भी है। ऐसा नहीं कि आप चल नहीं पाओगे, आप सहजता से आराम से चल पाते हो। और ये बेसिक ट्रैक बोला जाता है, ऐसा भी नहीं कि कुछ हायर लेवल का उसमें स्लोप आता है, चढ़ान आता है। आप इस रास्ते को आराम से पार करके मंदिर तक जा सकते हो। तकरीबन 30 मिनट के ऊपर समय लगता है, और जो इतना न चल पाए उन्हें वहाँ से व्हीकल्स भी मिलते हैं, यानी रिक्शा हो या जीप हो, वो 50-50 रुपये में मंदिर तक ले जाते हैं। आधा पौना घंटा चलने की जिनकी क्षमता न हो, कई लोग उम्र दराज होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, चलने में तकलीफ होती है, उनको वो गाड़ियाँ भी वहाँ तक मंदिर तक ले जाती है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये सुंदर छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर तुंगारेश्वर, और रास्ते में आते हुए ये पूरा कुदरती सौंदर्य से भरा हुआ रास्ता। अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं। मनोरम्य सुंदर कलर से सुसज्जित मंदिर का दर्शन करने से ही मन को शांति मिलने लगे, ऐसा शांत वातावरण। और श्रावण महीना होने की वजह से काफ़ी भीड़ थी, तो अंदर फिर कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो मैंने कम रिकॉर्डिंग किया है। ये जस्ट देख लीजिए कि इतनी लाइन होती है, बट ये लाइन तकरीबन 10 से 15 मिनट में कंप्लीट भी हो जाती है। फिर हम दर्शन कर लेते हैं शांति से, और थोड़े फोटोग्राफ मैंने लिए हैं जो वन्य जीव के वहाँ पे है। अब देखिए ये स्पाइडर। तो चलिए, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।